हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस अभी बज चुके हैं 9 बजने वाले होंगे और मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे। सुबह क्या था, कल रात को मैंने ब्लॉग डाल नहीं पाया। मेरा ब्लॉग डाल और लोगों ने डाल दिया था, मैंने चीज़ है तो मैं फिर रात में आधा ब्लॉग मैंने वेब से एडिट करवाया, आधा मैंने किया। एडिटिंग में टाइम तो लगता है। उसके बाद भी सो के उठे, फिर ब्लॉग ऐड किया, अभी ब्लॉग डाले दोनों, अब वीडियो वगैरह डाली, इसका फ्री हुई हूँ जस्ट। और आज है मेरी मेहंदी। गाइस अभी आया, कॉल आई थी मेहंदी वाले भैया की, तो मेहंदी वाले भैया आ रहे हैं थोड़ी देर में। मैं लगा सो गए, मैं जा रही हूँ डालने के लिए, नहा लेती हूँ। दर्द हो रहा है, अब चेहरा काफ़ी ठीक हो गया। ये चीज़ है, बहुत ठीक हो गया, इतना ख़राब हो गया था लेकिन अब बहुत ठीक है। जे शादी वाला घर देख सकते हो, चड्डा में घूमती है लड़की, चड्डा में नहा ला तुमने। मैं भी नहाने जा रही, गाइस जल्दी नहा लो, मेहंदी वाले भैया आने वाले 30 मिनट में। बहुत अच्छा बेटा, अच्छा बहुत हो, बहुत बढ़िया। वैभव तुम जमीन पे लौटे हो, अरे जुड़े हुए लोग हैं दीदी। क्या कह रहे हैं को कहा यार, हमें अच्छा लगो, काजल अच्छा लगा इनका, काजल मिला उठा बहुत लगाए थे। वाकई भाई मुझे नहीं पसंद बिल्कुल, काजल सूट नहीं करता मेरे यहाँ को पे। दीदी को नहा दिया बिल्कुल हल्दी से, उन क्या होता होगा वो बढ़िया, वही तो अच्छा होता है। हां ये बड़ी बोल नहीं रही है, कहते कैसे जीजा के साइड ले रही है। जीजा नहीं मेरे भैया है, तो भैया के साइड ले रही है, मैं तो जीजा ही। और बताओ कोमल मैम, क्या बात है, कैसा निखारा रहा तुम पे। देखो देखो जी माई, देखो माई, एक हमारी देखो जी है, एक हमारी जी संजना, एक हमारी जी प्रेमा जी है, एक हमारी जी प्रेमा जी है, पूछ ना उसी से वो वाला सूड़ा है, सूड़ा उसमें मैं शादी के बाद लूंगी। अभी जब उसमें हीट अगर लग जाएगी तो खराब हो जाएगी, मैं उसके बाद लूंगी। मैं ये कह रही थी कल का प्रोग्राम थोड़ा इस वजह से मेरा खराब हुआ, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही रहती है हमेशा। और इस टाइम क्या था, मेरा फंक्शन था, मतलब मैं ज्यादा चीजें नहीं कर पा रही थी, सब लोग नोटिस मेरे ऊपर रहती नजर इस चक्कर में। तो कल मैं उधर साइड गई नहीं देखने के लिए कि मतलब प्रोग्राम डेकोरेशन हुई नहीं हुई। जब मैंने लास्ट टाइम देखा था डेकोरेशन हुई नहीं थी, मैंने खड़े खड़े डेकोरेशन करा, ये सब चीजें उपटन, अरे वही उपटन मेरे यहाँ हल्दी बोली जाती है, तो उपटन लग रहा है। देखो कैसे मुंह बना बना है, क्योंकि उसको लग रहा है स्किन पे। ये मैंने जहाँ वैक्स कराई थी ना, ये दो जगह नीका वैक्स करा ली सूट की, नहीं यहाँ छिल रहा है मेरे, छिल लाल मुस्कान काम है नीचे, काम है सब रोक मेरे मेहंदी आर्टिस्ट के ये ऑनर है और इनके साथ पूरी टीम आई है और इन्हें हम खिला रहे मठे के आलू। दीदी नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा, खिला दे रहे, पिला रहे, हाँ पिला रहे, खिला रहे, पियो खाओ। मैं भी ऐसे पी रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। सब लोग मुझसे कह रहे तुम शादी में चड्डा पहनते हो, पहनती हूँ बताओ, लोग मुझे मजबूर करते हैं पहनने के लिए, अब बताओ पहना नहीं पड़ा मुझे, हैं बताओ अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस अब मैंने चालू करी है करनी, यहाँ डेकोरेशन हो रही है गाइस, बलून्स लग चुके हैं, ये पर्दा लगने वाली है। एक गाइस आगे की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, ये दुल्हन में दुल्हन मोट ही कद्दी, लेकिन हम पत रहे हैं, ये चीज है, ये दूल्हा दूल्हा तो स्मार्ट सा है अंकित, सही नहीं कह रहे, दुल्हन ज्यादा मोटी नहीं होगी, वो दुपट्टा उसका मोटा है यार, दुल्हन पतली है। हाँ मैं था वहाँ पर लेकिन आपकी याद नहीं, मैं बोल तुम्हारे क्लिप बना रहे, बताओ बोलो लो कैसी करी भगवान, अरे मोर मकट सिया भरु ने करे रक्षा करेंगे भगवान, जोरेंगे जामे हरे हरे, जोरेंगे जामे हरे हरे, जोड़ेंगे जाने हरे हरे, कैसे हो भाई हो।
लहाड़ेली को ब्याह जोड़ेंगे जामे हरे हरे जोड़ेंगे जामे हरे हरे लहाड़ेली को ब्याह जोड़ेंगे जामे। जब मेहंदी रखने में आपको रिव्यू दूंगी तो मेहंदी बहुत अच्छी रखी है उन्होंने, और इनका नाम है कुणाल, इनका इटावा में सैलून है। लग्जरी सैलून जो रेखा पैलेस के पास में, रेखा पैलेस के पास में। उसके अलावा भी हमारे एक चैनल है यूट्यूब चैनल जो कि कुणाल ब्लॉग्स 1990 करके, जिसपे हमारे सॉन्ग्स आते रहते हैं और बहुत आज का ब्लॉग भी आएगा। हाँ अंकित, अंकित तो हमारी फैमिली मेहंदी आर्टिस्ट है, यहीं से लगाते हैं, भैया की डिमांड थी हमें लगाना है ऐसे, तो अंकित की अंकारी तारीफ है, अंकित आप सब जानते हैं अंकित को। दूसरा नाम था पर नाम कहीं सैलून चला जाएगा, सैलून तुम जब आसमान पहुँच जाएगा तुम्हारे सैलून बनेंगे थे हम, वो देख रहे थे क्या देख रही थी कल आपका नाम लगा के गायब हो गई थी ना, तो आपको लेके आई ना खुद आई। ओहो दूल्हा दुल्हन जिस श्याम है मतलब मैं बताती हूँ, जब से आ गई थी तब ये मेहंदी के लिए और हल्दी के लिए, तब ये ड्रेस ले आ गई थी मेहंदी और हल्दी के लिए, अब उनकी क्या करोगी कुछ भी हो तुम्हारे से नहीं, कारे पहन के आए ठीक है। आ रही थी आगरा ये ड्रेस रोने वाला गाना हुआ सुना दो तुम, रोने वाला कोई आता है सैड गाना वो वाला सुना दो, बेटियां के ऊपर आई है हमें तो रुलाना है, वो वाला सुना दो, गाड़ी वाला अगर से कचरा निकाल भी मैडम आ रही है तो पहचान में भी आ रही है। Thank you.
नहीं तुम लोग सब बाप डीजे बना दो, बुआ बाप बना चाहिए ढोलक पे हल्के में लेती हूँ रील तुरंत डालती हूँ मैं। ये बताइए आगे से मैं आपके फंक्शन में ना लेट ही आया करूँगी। तो कल है शादी आज आ गया बताओ। अच्छा रहने दो आप दो दिन बुलाया दो दिन प्रॉपर फंक्शन टाइम पे पहुँच गए मीरो पहले कम चला नास मिटो। हाँ तो आप यहाँ टाइम से आए थे कल आप भी कल नहीं आए हैं और फिर आज आए शाम को जब प्रोग्राम खत्म होने पे आए तब आयो बताओ डांस वांस कर लिए सबको लास्ट में एम कितनी लास्ट में आएंगे कल कह रही आए मंडप गाड़ा जा रहा है पूरा मंडप गाड़ रहे उड़िया में रुपया रुपया भी बांध के डालो रुपया बांध के कपड़ा में पूरा मंडप गाड़ रही है आज है मेहंदी रूबी बैठी पहले तो बुआ बुआ क्या चाहिए हमें चाहिए भैंस 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 का क्या करोगी संजना दी दो भैंस भैंस दो भैंस ऐसी है बुआ आप दूध के पी के क्या करोगी दूध पी के बॉडी बनाए और बनाएंगे बनाएंगे गाइस अब दीदी का फिर से तेल चढ़ने जा रहा है दो चढ़ेंगे अभी दो चढ़ेंगे हाँ, हाँ, पांच है कल एक चढ़ेगा दीदी को बुला ले ब्लॉग बना ले फटाफट ठीक है तो गाइस तेल चढ़ रहा है दीदी का बाकी लोग चढ़ा रही हैं पहले तो गाइस इधर सूटकेस पैक कर रहे हैं चल ले कल तो पूजा होती है हां पूजा के सूटकेस पैक किया जाता है अच्छा जी इधर से दीदी दूसरे है ना इधर से वाह वाह बहुत बहुत थैंक यू बिटिया रानी हम लोग
हमने सुना नहीं था। अरे हमसे बता देती। ये जाम तो ऑलरेडी पहले भी बंद कर दे। बंद कर दे बंद। अब और दोबारा स्पीड लियो। आ परी कहाँ है? परी हूँ मैं। बता देना उनसे। क्रॉस ना करो। नहीं हम थोड़ी सी क्रॉस लोग करते हैं। वीडियो बनाओ ना। कोई लड़की करती है। वीडियो चलती है। चलो। जो तो बैठेंगे। बस 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 अब चावल लगाओ। अब पैंच खोलो। दिन भर से वही टाटा नहीं सुबह मिलते हैं कल करूंगा टाटा जब विदाई होगी परसों है ओके है बाद में जल्दी से मैं ये कह रही हूँ जल्दी से रेडी हो जाना क्योंकि ना पहले शिफ्ट का बैंड है पहले शिफ्ट जल्दी ही जमाना पड़ेगा कोई नहीं हम पहले ही आ जाएंगे 5 बजे आ जाएंगे लल्ला को बढ़िया कभी आयो टाइम पे मेरी कल आ जाएगी कल लल्ला को लेके नहीं आएंगे ये भी है परेशान कर लल्ला को लेके आएंगे जो नहीं पता कि एक दिन की बात है तो इतनी लेट आ रहे हैं दीदी यार क्या करती रहती हो तुम ये धीरे धीरे आ पा रोटी बना रहे थे यार खाना खाया तो खाना तब खाई को नहीं रोटी बना के चले तो गाइस रात के बज चुके हैं अभी 10 बज गए हैं और सुबह जल्दी भी उठना है जल्दी का डेली जल्दी उठ जाते हैं नींद नहीं पूरी है भाई दिन में थकी और स्पीड तो पता क्या सीन है कि मैं तेज बोलती हूँ ये भी तेज बोलते हैं मम्मी भी तेज बोलती है इसलिए हम लोग ही मैच हो जाती है और सो कोई लड़का मिलता धीरे बोले तो बर्दाश्त नहीं करता मुझे क्योंकि आज तो गाइस आप लोगों से इम्पोर्टेंट ये बात करनी थी कि शादी है कल की शादी है मैं आपको बता दूँ तो एग्जिट क्लियर बता दी मैंने बहुत से लोगों की डेट बता भी थी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कोई भी बिना बुलाए ना आए जिनके पास कार्ड पहुंचा है जो लोग मेरे कांटेक्ट में वही आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को मेंटेन करके रखें तो बस ये है कि हमारी व्यवस्था ख़राब ना करें किसी प्रकार जो भी आ रहे हैं कोई भी बिना बुलाए ना आए और बस चीज़ें जो अभी लोग भी आ रहे हैं तो मेंटेन कर रखें आपका घर है आपका परिवार है बस अच्छी तरीके से मेंट कोई भी चीज़ें कोई भी शराब पर आपका कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी जो भी आ रहे हैं वो हाथ जोड़ के जो हाँ जो भी है मतलब सबसे रिक्वेस्ट है मेरी बहुत ज़्यादा कि ऐसे कोई काम ना करे कल हो जाएगी शादी पहुँच जाएगी ससुराल रहे सलू अकेली देखिए मैंने अभी तब से सारी व्यवस्था होके रखी है सारी चीज़ें मतलब मेंटेन रखी है कल को कोई भी इंसान शादी में आके बदतमीजी करता है या फिर कुछ भी मतलब अपने तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की होगी है ना मैंने सारी चीज़ें अरेंज भी की है इस चीज़ को लेकर मैंने सिक्योरिटी भी अरेंज की है हर चीज़ अरेंज की है जिससे कि चीज़ें ख़राब ना हो तो प्लीज़ मैं डायरेक्टली किसी से बोल नहीं पाऊँगी बस इतना है कि सब चीज़ अच्छे से रहें इन्जॉय करें खूब खाए पिए मौज करें डांस करें कुछ भी करें लेकिन चीज़ें ख़राब ना करें सोच रहे होंगे बहुत मतलब आप अपने आप में बन रही कुछ जब शादी जब करते हैं ना अकेले तो बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी शादी करना और खुद अकेले करना तो वही चीज़ है बाद में बिगड़ जाए तो कितनी बड़ी बुरा लगता है तो वो चीज़ था सब कुछ करने के बाद बस इतना ही कहना है कुछ नहीं कहना है तो मिलते हैं लाइक सब्सक्राइब कर लेना।